नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन 600 अपॉन एस एस प्लस 1 एस प्लस 15 एस प्लस 20 कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय द सिस्टम। ठीक है, तो हमें जीएस की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 600 अपॉन एस एस प्लस 1 एस प्लस 15 और एस प्लस 20। अब इसे हमें अप्रोक्सीमेट करना है, तो उसके लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एस प्लस 1 के फॉर्म में होता है, राइट। तो ये हो जाएगा 600 अपॉन एस एस प्लस 1, इसको एस प्लस 1 के फॉर्म में बनाना है तो 15 को हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा एस बाय 15 प्लस 1, और इसमें भी हम 20 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एस बाय 20 प्लस 1। ठीक है, ये हमें जी एस दे रखा है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 30 जा 15 1 जा 15 2 जा, तो ऊपर क्या बचा, 2 अपॉन एस एस प्लस 1 एस बाय 15 प्लस 1 और एस बाय 20 प्लस 1, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम को सिस्टम को अप्रोक्सीमेट करना है, और सिस्टम को अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम हमेशा डोमिनेंट पोल को ही कंसिडर करते हैं। तो इसके पोल्स जो होते हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे, पोल्स एस इक्वल्स टू जीरो पे एक पोल होगा, एस इक्वल्स टू माइनस वन पे पोल होगा, एस इक्वल्स टू माइनस 15 पे पोल होगा और एस इक्वल्स टू माइनस 20 पे पोल होगा। ये सब पोल्स की लोकेशन है। ठीक है, अब डोमिनेंट पोल किसको बोलते हैं, जो सबसे पास होता है ओरिजिन के, तो ओरिजिन के पास कौन सा है, माइनस वन वाला। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, सिर्फ माइनस वन वाला, माइनस वन मतलब एस प्लस वन। तो इसका जो आंसर आएगा, इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे डोमिनेंट पोल के कॉन्सेप्ट से, तो इसका आंसर आ रहा है 2 अपॉन एस एस प्लस 1, और इसका आंसर है ए, ये हमारा हो गया आंसर।